दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सुपर शम्स फैक्ट्री लैब में खुश आमदीद। दोस्तों आज टॉपिक है सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। मीठा सोडा हम वॉशिंग पाउडर में इस्तेमाल करते हैं, मीठा सोडा हमारे फूड आइटमों में इस्तेमाल होता है, डबल रोटी को सुजाने में काम आता है, मीठा सोडा लेदर में काम आता है। लेदर में क्या काम करता है वो मैं बताता हूँ। मीठा सोडा लेदर में इसको खाल को मोटा करेगा। देखो ये कितनी खाल है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा पड़ा हुआ है, वो इस फाइबर को सुजाता है। वो इसके जो छोटे छोटे ये बारीक बारीक सोराख है ना बालों को, इसको बड़ा करता है, इसको बड़ा करता है, बड़ा करता है। तो इसमें अंदर खुराक जाती है, कुरूम चला जाता है, कुरूम जाएगा तो इसमें बाडी आएगा, इसमें ऑयल चला जाता है। उसके बाद ये जो खाल है बेहतरीन साफ सुथरी हो जाएगी। यही हाल हमारे वॉशिंग पाउडर का है। वॉशिंग पाउडर मेरे इस वॉशिंग पाउडर में साफनेस नहीं होती थी, शाइनिंग नहीं होती थी, चमक नहीं होती थी, फीका फीका रूखा रूखा लगता था। मगर जब से हम मैंने मीठा सोडा सोडा ए एच नहीं मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करता हूँ, आप चमक देखो, शाइनिंग देखो, सॉफ्टनेस देखो, ये कमाल है, ये कमाल मेरे इससे मीठा सोडा का है। इसको खूबसूरत बनाता है, महकता चमकता सितारों की तरह इसको चमकाता है और रूखापन ख़त्म करता है। ये काम है मीठा सोडा का। मीठा सोडा हम ड्रिंक में ना बबल बना पेप्सी सेवन अप में भी मीठा सोडा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो दवाओं में भी बेइंतहा इस्तेमाल होता है। कहाँ होता है, जहाँ ना मैदे में एसिडिटी पैदा हो जाए तो वहाँ भी बेइंतहा दवाओं में इस्तेमाल होता है। हम तो इससे सिर्फ काम लेते हैं यहाँ वॉशिंग पाउडर में साफनेस के लिए, वाइटनेस के लिए और अच्छी फीलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह ये बेहतरीन कारगर है हमारे वॉशिंग पाउडर के कारोबार में। अच्छा कारोबार चाहते हो, बेहतरीन वॉशिंग पाउडर चाहते हो, बेहतरीन लुक चाहते हो, बेहतरीन फीलिंग चाहते हो, हमारे कपड़े अगर चाहते हो को वाइट हो, सफ़ेद हो, चमकता हुआ नज़र आ जाए, तो उसमें जनाब अली ज़रूर आप मीठा सोडा डालें। मैं इसमें 5% डालता हूँ। आप देखें, मैार देखें, ये शाइनिंग, ये चमक, ये साफनेस, ये कमाल इस मीठा सोडा का है। ये कितने 6 महीने तो हो चुके होंगे, साल होने वाला है, ये इसमें पैकेट पड़ा हुआ है, और आज भी वही चमक वही धमक है, ठीक है। ये इनका जो पेपर है ना, ये पेपर ख़राब हो गया मगर अंदर माल ख़राब नहीं हुआ है। अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है, क्या है। दोस्तों से आपसे कोई छुपी हुई चीज़ मेरी नहीं है। ये मीठा सोडा इस्तेमाल करें, बेहतरीन साफनेस आ जाएगी, फुलावट और पीएच को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। फुलावट के लिए मैं नहीं कहता, वो मुझे तजर्बा अभी मेरे काम में नहीं आया, चमड़े को इतना फुलाता है कि क्या बताओ। ये आपके सामने खोला, ठीक है ना, आपके सामने खोला, ये चमक, ये धमक, ये शाइनिंग मीठा सोडा की वजह से आपके सामने एक एक चीज़ आपको सिर्फ सिखाने के लिए। उठो, नींद से उठो, सुबह हो गई है, सीखो सीखो, कोई हमें छुपा नहीं रहा। मेरी सारी रेसिपियाँ, सारी वीडियोस, 500 वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। 500 वीडियो में भी यही वॉशिंग पाउडर, हेयर शैम्पू, डिश वॉश सिखा रहा हूँ, शाइनिंग के साथ, चमक के साथ। ये देखो, कोई छुपा नहीं रहा। यहाँ मेरी बिजनेस नहीं है, यहाँ मैं बिजनेस सिर्फ वॉशिंग पाउडर का 3-4 ज़िलों में करता हूँ,
हेयर शैम्पू कभी मैंने प्रोडक्ट इशू ही नहीं किए, मगर ये जो 20-25 हज़ार हर महीने इस रिसर्च के काम में इस्तेमाल करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप उठो अपना रोज़गार करो, चैलेंज करता हूँ मेरी रेसिपी पे है, जैसे मैं बता रहा हूँ डिश वॉश, हैंड वॉश, वॉशिंग पाउडर, लिक्विड सोप बनाएं, यही आएगा 19-20 का फ़र्क इसलिए आएगा कि मॉइस्चर का मसला होता है। यहाँ अब आबोहवा में मॉइस्चर शुरू हो गया है सर्दियों की वजह से, थोड़ी रेसिपी चेंज हो जाती है, वो भी वक्तन वक्तन सिखाता रहता हूँ। मीठा सोडा का कमाल देखा, इस्तेमाल कैसे करता हूँ। ये मीठा सोडा सोडा एक के साथ मिक्स करना पड़ता, 45% जनाब मेरा होता है सोडा एश और 5% मीठा सोडा, ये मैं मिक्स करता हूँ अलग ड्रम में। उसके बाद एक दूसरे टब में डालता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड 7%, जनाब अली सोडियम सिलिकेट 5%, और डालता हूँ शैम्पू बेस 3%। ठीक है, पेस्ट बनाता हूँ पेस्ट, और ये सोडा एश और मीठा सोडा जो ड्रम में पड़ा है उसमें मिक्स करता। ठीक है, ये एसिड और बेस मिक्स होना शुरू हो गया, आधा घंटा मिक्स करो। जैसे ही एसिड और बेस मिक्स करोगे उसके बाद बाकी केमिकल जो है वो जल्दी जल्दी 10-10 मिनट में मिक्सर चलाते हुए आप पूरा करें। ये फलसफा है, एक्सिड को अलग पेस्ट की सूरत में मिक्स करो, पाउडर को जो मीठा सोडा सोडा एश है वो ड्रम में जो मिक्सर है उसमें मिक्स करो, पेस्ट को और जनाब वाली बेस यानी पेस्ट वो एक्सिड वाले एक्सिड को और सोडा एश को जो बेस है उसको मिक्स करो। उसके बाद गुलाबर साल्ट है 15% डालते हैं, उसके बाद कलर दाने हैं मैं 4% डालता हूँ, उसके बाद जमा नमक है नमक में 3% डालता हूँ, उसके बाद एक्जालिक एसिड है मैं 2% डालता हूँ, उसके बाद जनाब अली नेंसा बेस पाउडर में 2% डालता हूँ, खुशबू है 0.5%। ये है मेरी रेसिपी, ये है मीठा सोडा का कमाल, ये आप चमक ये शाइनिंग है आप देख सकते हो। आपके सामने ये पैकेट खोला, आपके सामने ये पैकेट खुला, ठीक है, ये पैकेट आपके सामने खुला, रिजल्ट आपके सामने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जी भर के स्टडी करो, क्वेश्चन पूछो, गलत कर रहा हूँ तो गलती का जो है ना कमेंट्स में इजहार करो, शाबाश की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती, मैं बुढ़ा आदमी कोई लालच नहीं, अल्लाह आप सबको खुश रखे, इस उम्मीद के साथ मैं भरता हूँ कि कोई रोज़गार से लगे कोई सीखे, ज़िंदगी का दरवाज़ा खुला हुआ है, ज़िंदगी अल्लाह मियाँ ने आपको दी है किसी मकसद के लिए, अपना मकसद ढूंढो, अपना टारगेट सेट करो, वहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी जान की बाजी लड़ा दो। मैंने टारगेट सेट किया है रिटायरमेंट के बाद सुपर शांस 40 लाख नुकसान हो गया है, अगर अल्लाह मियाँ ने 40 लाख और भी दिया ना वो भी नुकसान करके पहुँचना मुझे वहीं है। सुपर शम्स वॉशिंग पाउडर, एक मरतबा आपका ब्रांड की गुडविल बन गई 5-6 ज़िलों में, ज़िंदगी भर आपकी नस्लें खाएंगी। फिर बता रहा हूँ आप अपने ब्रांड पे इतनी मेहनत करो, इतनी स्ट्रगल करो, बेहतरीन मयार पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, बेहतरीन चीज़ बना के मार्केट में दो, 1,000,000,000 औरत आपकी वॉशिंग पाउडर को चेक करती है, 2 डिस्ट्रिक्ट में आप माल दे रहे हो, आपके जितने किलो बिके फर्स्ट क्लास 500 किलो बिका तो 500 औरत आपकी वॉशिंग पाउडर को खोलेगी, चेक करेगी, उनके एहसासात को, उनके साफनेस को, आपकी इसकी वाइटनेस को, इसकी सफाई के अमल को, इसकी प्रोग्रेस को, साल 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल ब्रांड को जमाने में, ब्रांड की गुडविल पैदा करने में साला साल लगते हैं, लक्स को 8, 70, 80 साल हुआ है लक्स साबुन को,
यहाँ हम ब्रांड नहीं बना रहे, लक्सा दो नंबर बनाते हैं, एक्सेल का दो नंबर बना के सेल कर रहे हैं, अपने ब्रांड पे मेहनत नहीं करते। अपने ब्रांड पे मेहनत करो, अपनी गुडविल पे मेहनत करो, अपने मयार पे रिसर्च करो, आगे बढ़ो। सुपर शम्स फैक्ट्री लैब से खुदा हाफिज़।